Hello friends, welcome back to my next video on SATS 11th class maths. Friends, in this video we will discuss some properties of the operation of union and intersection. तो देखिए हमने एक टेबल तैयार की है फ्रेंड्स. इसमें पहले कॉलम में नेम ऑफ फ्लोर लिख दिए गए हैं, सेकंड कॉलम में यूनियन एंड थर्ड में इंटरसेक्शन. तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ पे बात करते हैं. पहले देखिए दो सेट का यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के. यानी दो सेट ए अगर हमारे साथ पास एक सेट ए है एक सेट बी है तो उसको किसी भी ऑर्डर में लिखें, ए यूनियन बी के ऑर्डर में लिखें या बी यूनियन ए के ऑर्डर में लिखें तो एक ही बात होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली हमें मिलते हैं. इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी हमारी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होती है. यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. देखिए ये है ए यूनियन बी यूनियन सी. तो हम लिखेंगे इसे ए यूनियन के साथ बी यूनियन सी. यानी पहले दो सेट का यूनियन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन सी करेंगे और फिर हम इसे लें ए यूनियन बी यूनियन सी लें तो एक ही बात होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली वेरीफाई होते हैं. इसके इंटरसेक्शन में इस तरह फॉलो होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो या ऑर्डर ये ऑर्डर लिखें या ये ऑर्डर लिखें दोनों वेरीफाइड होते हैं. आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि किसी सेट ए का यूनियन अगर फाई से निकाला जाए यानी नल सेट से निकाला जाए तो वो सेट ए ही हमें मिलता है. और इंटरसेक्शन में किसी नल सेट का किसी सेट ए से इंटरसेक्शन निकाला जाए तो नल सेट ही मिलता है. या यूनिवर्सल सेट का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो ए हमें मिलता है. आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि किसी सेट ए का किसी उसी सेट से यूनियन उस ए के इक्वल होता है. या हम कहें कि किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है. और इंटरसेक्शन में क्या होगा कि किसी सेट ए का उसी सेट से इंटरसेक्शन वही सेट मिलता है. यानी ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा. लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए से यूनियन हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा. यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए से इंटरसेक्शन हमें ए सेट मिलेगा. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी. जैसे फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव अगर हम होल नंबर में लें, ए बी और सी अगर ये होल नंबर है हमारे तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी. यानी पहले ए का बी से मल्टीप्लाई प्लस ए का सी के साथ मल्टीप्लाई. तो इसी तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है सेट में भी. ठीक है. इसी तरह से इंटरसेक्शन में आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इंटरसेक्शन में है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में रखेंगे ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है. अब सेवन्थ जो हमारा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टार्ट हो जाते हैं. अब इसमें क्या है, किसी सेट ए का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन निकाला जाए तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा. और इंटरसेक्शन में क्या होगा, किसी सेट ए का उस सेट के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन निकाला जाए तो फाई सेट में मिलेगा. एट फाइव फ्रेंड्स डी मॉर्गन्स लॉ. तो डी मॉर्गन्स लॉ भी कॉम्प्लीमेंट पे ही काम करते हैं. तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर. यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सेकंड में है इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नाइन्थ जो है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट. यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट मिलेगा. यानी अगर कोई सेट हमारा फाइनर सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला गया उसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालें तो वो हमें सेट ए ही मिलेगा. टेंथ में जो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो किसी फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो यूनिवर्सल सेट मिलता है. या अगर किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें फाई सेट मिलता है. ठीक है फ्रेंड्स.
तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।